ग्वालियर लोकसभा सीट से बीजेपी के भारत सिंह कुशवाहा ने जीत हासिल की है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी रुचिका चौहान ने उन्हें संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होने का सर्टिफिकेट दिया है। भारत सिंह कुशवाहा ने 70,200 वोट से कांग्रेस के प्रवीण पाठक को चुनाव हराया। जीत के बाद बातचीत में भारत सिंह कुशवाहा ने जीत का श्रेय पीएम मोदी के प्रति जनता के विश्वास और कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिया है। वहीं कांग्रेस की जीत के दावों के बीच बीजेपी द्वारा एमपी की सभी 29 सीट जीतने पर भारत सिंह कुशवाहा के पार्टी आला कमान, कार्यकर्ता और प्रदेश की जनता का आभार जताया है। बीजेपी के भारत सिंह कुशवाहा को 6,71,535 वोट मिले। कांग्रेस के प्रवीण पाठक को 6,01,325 वोट मिले। नोटा को 3,341 वोट मिले। कुल 13,39,888 वोटों की हुई गिनती। मैं घोषणा करती हूं, श्री भारत सिंह कुशवाहा 88/1 ग्राम दंगियापुरा जिला ग्वालियर, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए थे उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से, उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए। बड़ी जीत में मैं ऐसा मानता हूँ, प्रधानमंत्री का काम अच्छा है, कार्यकर्ताओं का परिश्रम अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपार मेहनत की है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कामों को सराहा है, सरकार के कामों को सराहा है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद जनता का मिला है, मैं ऐसा मानता हूँ। कांग्रेस लगातार दावा कर रही थी दोनों सीटों पर तगड़ा मुकाबला है, तो किस तरह से देखिए, लोकतंत्र में जनता इस बात को अच्छी तरह से जानती है हमें किसको चुनना है, किसकी सरकार बनाना है। चूंकि हर दल के लोग अपनी अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि हम जीते, अगले जीत जनता के हाथ में होती है, जनता जिसको चाहती है उसको प्रमाण पत्र देती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण रूप से प्रदेश की और देश की जनता को भरोसा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिला है। जीतने के बाद क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, स्वयं की सोच तो ठीक है, काम करते ही हैं, बड़े बड़े जो दिमाग पर रहता है, अगले जनता के सुझाए हुए कामों को प्राथमिकता रहेगी। जनता जैसा बताएगी कि हाँ ये काम होना है, विकास कार्य होना है, उसको हम प्राथमिकता देंगे संगठन के साथ बैठ के। जीत का श्रेय किसे देते हैं? जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को, पूरे शीर्ष नेतृत्व को, कार्यकर्ताओं को और जनता को मैं प्रणाम करता हूँ, सबको बधाई देता हूँ। सर, जहाँ आपकी स्थिति काफ़ी मजबूत है, आपके विधायक भी हैं, बेहतर बार की बात की जाए तो लगातार वहाँ से आप पिछड़ते रहे पूरे चुनाव के दौरान। देखिए, कुछ कारण रहते हैं, ये संगठन का काम है समीक्षा करने का काम, ठीक है।